बोट के अंदर तो पूरा मैं तो काला ही दिख रहा था, तो फिर अभी थोड़ा केरला के विलेज को ट्राई करता हूँ कैसा है यहाँ का विलेज। और कैनगिरी कुचनाड स्वागत है फिर से एक और मिलना है मेरे वीडियो के अंदर। तो अभी तक की मेरी जो स्टोरी है, मैं लास्ट आपने मेरे वीडियो के अंदर देखा ही होगा कि मैं मुन्नार से पहले मैंने मरायूर को एक्सप्लोर किया था। उसके पहले मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मैं सुबह से निकला था, अभी मैं हूँ करंटली एलएपी के अंदर, एलएपी के एक विलेज के अंदर, नाम तो फिर से मैं भूल गया, कुछ क्या ना कर या कुछ ऐसा कुछ नाम था, तो मैं वो भी नीचे लिख कर दे दूँगा कि मैं कौन से विलेज के अंदर हूँ, या फिर नेक्स्ट में आपको बता दूँगा। तो फिर मैंने सुबह मॉर्निंग में कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि मॉर्निंग से मुझे अब तक टाइम ही नहीं मिला कुछ वीडियो शूट करने के लिए। तो मैं सुबह उठ गया, नहा धो के पूरा फ्रेश अप होके फिर मैं निकला घूमने के लिए। तो बैक वाटर का नाम सुना था एलपी के अंदर कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे हाउस बोट आपको ट्राई करना चाहिए। तो हाउस बोट का प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इसलिए मैंने हाउस बोट को ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने कॉमन जो गवर्नमेंट की फेरी होती है ना उसको मैंने ट्राई किया। तो गवर्नमेंट की फेरी मैंने ले के डबल डेकर वाली फिर मैं निकल गया वहाँ से। लेकिन उस बोट के अंदर हुआ ऐसा ना कि जगह कहीं नहीं थी कि मैं वीडियो शूट कर सकूँ, ऊपर से क्राउड इतना भरा हुआ था कि बैठने के लिए तक जगह नहीं मिल रही थी, तो वीडियो कहाँ से शूट करूँगा। और वैसे भी यार धूप भी नहीं निकला एलएपी के अंदर, तो उतना ज़्यादा मतलब बैकग्राउंड में दिखता भी नहीं है, बोट के अंदर तो पूरा मैं तो काला ही दिख रहा था। तो फिर सोचा उधर शूट करने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी मैं जहाँ पर हूँ वो एक विलेज है, लास्ट स्टॉप था उसका, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से अभी पैदल थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और फिर निकलूँगा वापस से। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि केरला के अंदर एक बैक वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे देखने के लिए, तो बैक वाटर का तो मैंने ले लिया है पूरा नज़ारा। अभी यहाँ से थोड़ा आगे एक साइड है ना एक ब्रिज आता है, तो उस ब्रिज के दोनों साइड का मस्त व्यू आएगा वहाँ से, तो मैं उसी ब्रिज के पास जा रहा हूँ। आई थिंक आधे किलोमीटर तक वो है ब्रिज यहाँ से डिस्टेंस। अभी थोड़ा केरला के विलेज को ट्राई करता हूँ कैसा है यहाँ का विलेज। और तो अभी आप जो देख रहे हो ना ये बैक वाटर है, मतलब कि ये एलपी का बैक वाटर है। यहाँ पे आपको हाउस बोट और कॉमन फेरी भी मिल जाएगी और पर्सनल बोट भी आती है कुछ, वो भी मिल जाएगी। ये एक बस स्टैंड ही है, नाम तो मुझे भी नहीं पता, मलयालम में कुछ लिखा है, पता नहीं चलता है कौन सा बस स्टैंड है कौन से विलेज में मैं हूँ, बस घूमता रहता हूँ जहाँ पे भी मुझे कुछ मिल जाए घूमने के लिए वो जगह पे मैं बस चला जाता हूँ। तो छोटे छोटे विलेजेस यहाँ पर है देखने के लिए। बाकी एलपी में क्या क्या देखने के लिए है, मैक्सिमम तो यहाँ पे म्यूज़ियम वगैरह है, बीच वगैरह है, तो शाम को ट्राई करने वाला हूँ बीच के पास जाने के लिए, एक दो बीचेस हैं उनको ट्राई करने वाला हूँ शाम को। उसके अलावा यहाँ पे बैक वाटर है, तो मैंने वीडियो तो शूट कर ली है बोट के अंदर के, लेकिन मैं कुछ वहाँ पे मतलब अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्राउड था उसमें और मैं कुछ बोलता तो सुनाई भी नहीं देता, इसलिए फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। मैंने ट्राई किया कि छोटी वाली बोट से मैं यहाँ पे घूमने के लिए जा सकूँ, लेकिन अब तक मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं कोई भी जो मुझे मतलब लेके जा सके। है ना सामने की साइड मुझे उस ब्रिज के ऊपर जाना है ताकि यहाँ से जो व्यू आएगा उसके ऊपर का वो सबसे ज़्यादा मस्त व्यू आएगा। बाकी यहाँ पे ये देख सकते हो पूरा बैक वाटर का है, पूरा ये बैक वाटर पानी का पूरा है, पता नहीं है ये रास्ता वहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा वरना। तो फिर मैंने नींद नहीं कर पाया था तो कल सो गया था, अभी भी दो चाय पी चुका हूँ लेकिन फिर भी नींद अभी भी मेरी आंखों से नहीं गई। बाकी जगह बहुत मस्त है लेकिन पानी मुझे बहुत ही गंदा दिख रहा है, ये पूरा गंदा पानी है। एक्टिवली थे दो तीन थे काउट सर्फर, मैंने दो लोगों को यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, तो अगर कोई काउट सर्फर मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो गुड है, अदरवाइज़ फिर मैं कल निकल जाऊँगा कन्याकुमारी के लिए यहाँ से हिचहाइकिंग करते हुए। तो अब तक तो फाइनल नहीं है लेकिन कल मैं बताऊंगा आपको कि मेरा क्या फाइनल है। तो ये कुछ प्राइवेट बोट्स है, इस प्रकार की ये बोट आती है पूरी, तो प्राइवेट बोट्स का जो अभी प्राइस चल रहा है वो 500 रुपये एक घंटे का है, मतलब आप 3-4 घंटा अगर घूमोगे तो आपके 2000 चले जाएंगे। अगर आप सोलो पर्सन आते हो सिंगल तो आपको महंगा पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप 3-4 बंदे आते हो तो आपको इतना महंगा नहीं पड़ेगा।
सुबह से लेकर अब तक पहली बार मैंने धूप देखी है एलपी के अंदर। कॉमन है एलपी के अंदर, बोट वगैरह सबसे ज़्यादा है, बैक वाटर वगैरह। यहाँ पे बोट जो है वो गवर्नमेंट फेरी की जो प्राइस थी वो 60 रुपीज़ वन राइड की थी, जिसमें मुझे ऑलमोस्ट एक घंटे से ऊपर लग गया था पहुँचने में। तो अभी आने जाने में आपको 120 रुपये लग जाएंगे। हाँ, आपको बैक वाटर का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आसपास रेस्टोरेंट भी हैं और कुछ स्कूल वगैरह भी है जहाँ पे आप मतलब बहुत सारे स्टॉप करती है, मिनिमम मेरे हिसाब से 10-15 स्टॉप करती है वो गवर्नमेंट फेरी। बाकी ये सारी देख लो, ये तो सामान के लिए है, तो मुझे पता नहीं है कि ये सामान के लिए यूज़ की जा रही है, तो वे भी शायद मुझे ना मिले। गाइस, मैं ब्रिज के ऊपर आ गया हूँ और इसका नाम कुछ अब मंडाकल करके ब्रिज है, और पीछे की साइड आप जो देख रहे हो ये रिवर जा रही है, ये पंबा रिवर है, जो कि यहाँ से बैक वाटर भी है लेकिन इसको यहाँ पे पंबा रिवर के नाम से जाना जाता है। और ये आपको देख रहे हो कि ये एक हाउस बोट है, तो ये हाउस बोट का प्राइस डिफरेंट डिफरेंट होता है। वन नाइट का ये 1000 रुपीज़ से ले के आपको 10,000 तक से भी ऊपर आपको ये बोट मिलेगी। डिपेंड करता है कि आप कितनी फैसिलिटी के साथ घूमना चाहते हो। तो अभी मैं ब्रिज के ऊपर हूँ और यहाँ का कुछ आप सीन देख ही सकते हो कि कैसा है। अभी ब्रिज के नीचे What is the name of this village? My name is Juliki. Your name, not village name. Village name. Kainagiri. Kuttanad. Kuttanad. My name is Juliki. Juliki. Juliki, Ashin. And your name? Ashin. My name is Juliki. Your name is Agadi. Your name is Kochai. My name is Rishi. Rishi. YouTube video. YouTube name. Nomadic Joshi. Subscribers. Thank you. Subscribers. Thank you. This name is Chondi. Okay. Nice name. Etra subscribers. How much? I think it's all. My name is പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കൊച്ചായ. കൊച്ചായ അവന്റെ പേര് അൽഷിൻ രാജു. അൽഷിൻ രാജു. അൽഷിൻ രാജു. ഇത് അശിൻ രാജു. റിയൽ നെയിം. രണ്ടുപേരും ബ്രദേഴ്സ്. മൂന്ന് പേര് കസിൻ. ആൽവിൻ കെ. ആൽവിൻ ജു. ആൽവിൻ കസിൻ. തീനാമോൾ എംജി. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കസിൻസ് ആണ്. ജുലിംഗി. Your name is Kochai. This is Bengali. Kochai. Bengali. No. My Kochai. Juliki. Okay. Thank you. Agadi. Par. Where are you from? Kochai. Bengali. Kochai. No. I don't know. Okay. कुछ विलेज का नाम था वो काइनेकरी करके एक जगह है, मैं अभी मतलब वहाँ पर ही घूम रहा हूँ। कुछ इस प्रकार की ये हाउस बोट होती है, आप देख ही सकते हो। इसके अलावा मैं अभी ब्रिज के नीचे आ गया हूँ एंड यहाँ से अभी जा रहा हूँ आगे के स्टॉप के ऊपर, देखता हूँ वहाँ तक फेरी मिलती है या फिर मुझे सामने के साइड जाना पड़ेगा। तो अभी तो सामने के साइड पॉसिबल ही नहीं है जा पाऊँगा क्योंकि ब्रिज ख़त्म हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार का ये विलेज है काइनेकरी करके, अभी मैं उसके मतलब साइड में चल रहा हूँ। अंदर की साइड पूरा विलेज है और ये पंबा रिवर है ना, उसके साइड में से मैं अभी चल रहा हूँ। तो कुछ मस्त सी जगह है यहाँ पे, ये पीछे आप देख सकते हो एक पुराना घर के जैसा है ये। एंड इस साइड ये पानी का टंका है जिसके अंदर मतलब पानी भरा जाता है। बाकी यहाँ पे कुछ लिखा है मुझे मालूम नहीं चल रहा कौन सी लैंग्वेज में लिखा है।
आपको शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं लगता, मुझे आगे जाके पहले पूछना पड़ेगा किसी से कि बोट की फेरी यहाँ से मुझे मिल जाएगी या फिर सामने जाना पड़ेगा। अगर सामने जाना पड़ेगा तो फिर से मुझे ब्रिज के ऊपर आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आगे तक के लिए तो कोई भी अब ब्रिज नहीं आने वाला है, तो सामने की साइड तो मैं नहीं जा पाऊँगा। तो शांत सी जगह है यहाँ पे, आपको बहुत ज़्यादा मतलब शांति लगी पड़ी है। वो जो सिटी वाला एक जो बसड़ होता है ना, जैसे पूरे गाड़ी का आवाज़ वो नहीं होता है, गाड़ियाँ भी चलती हैं यहाँ पर लेकिन उतना आवाज़ नहीं है। यहाँ पर एक साइड रिवर है, दूसरी साइड रास्ता है, तो बहुत ही मस्त सी जगह है यहाँ पे और ब्यूटीफुल व्यू है। आप सामने की साइड देखोगे तो पूरा ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है, दिख रहा होगा आपको। ये एक स्कूल है यहाँ पे, ये कुछ पुरानी बोट्स हैं जो कि टूटी पड़ी हैं यहाँ पे। ये एक बड़ी वाली बोट है जो कि सामान के लिए यूज़ हो रही होगी शायद, बहुत बड़ी है या फिर मेरे हिसाब से ये बन रही है अभी भी बोट, एक हाउस बोट लग रही है जो अभी यहाँ पे काम चल रहा है, मतलब कि इस बोट को अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इट्स अ न्यू बोट, नो इट्स अ मेकिंग, न्यू बोट मेकिंग कंस्ट्रक्शन, नई बोट बन रही है मतलब यहाँ पे ये। वाओ ग्रेट, मतलब गुड है यहाँ पे। ये कैसे बनाई जाती है बोट देख सकते हो आप, इसके अंदर की साइड पूरा मतलब खाली रहता है ये एरिया, और इसके ऊपर अभी प्लेट लगाई जाएगी, नीचे के साइड ये खाली रहेगा, पता नहीं क्यों रखते हैं खाली यहाँ पे, वेट कम करने के लिए। दूसरा ऊपर की साइड ये पूरा रहेगा। कितनी लंबी बोट है आप देख ही सकते हो, ये मुझे अंदाजा तो नहीं है मुझे कितनी लंबी बोट होगी, लग रही वुडन की बनी हुई। अन्ना हाउ मच प्राइस, प्राइस हाउ मच, नो प्राइस, नो आई एम टेलिंग हाउ मच रुपीस राइट, नो राइट, पार्टी विल अम्मा, पार्टी वेरा अंड पार्टी विल अम्मा, ओके द इनसाइड पार्टी, थैंक यू। पता नहीं ये मतलब क्या समझ रही, मैं इनको पूछ रहा हूँ कि एक राइड के कितने रुपए लगते हैं, तो उनकी कोई पार्टी मतलब कोई मतलब फैमिली टाइप के होंगे कुछ पर्सन या कुछ वी आई पी लोग होंगे जिनको अंदर लेकर गए हैं। व्हाट्स योर नेम, नेम मनु, मनु तो इनका नाम मनु है। व्हाट योर नेम, आनंद, आनंद, व्हाट आर यू डूइंग, तो अभी कुछ हुआ इस प्रकार का है कि मैं पैदल पैदल चलते चलते पता नहीं कहाँ पे निकल गया हूँ। दो गवर्नमेंट फेरी पॉइंट जो थे वो तो निकल गए, अभी मालूम नहीं है यहाँ पे तीसरा कोई गवर्नमेंट फेरी पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा। देखो गवर्नमेंट बोट तो जा रही है लेकिन फेरी पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा वो मुझे मालूम नहीं है, तो अगर देखूँगा आगे तक नहीं आएगा तो फिर वापस मुझे चल के आना पड़ेगा रिटर्न। पता नहीं कितना है यहाँ से, मैं तो बस ऐसे ही चलते जा रहा हूँ। तो गाइस अभी तो मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, मैं आगे तक पैदल गया लेकिन आगे कोई भी फेरी पॉइंट नहीं है, तो वापस से मुझे पैदल जाना पड़ेगा। तो लास्ट फेरी पॉइंट था वहाँ तक चली। दूसरा क्या है कि धूप के कारण मेरी जो आँखें हैं ना वो जल रही है, मतलब आप अगर देख सकते हो तो मेरी इस आँख के पास है ना थोड़ा लाल लाल हो गया है पार्ट्स, तो धूप जो है ना वहाँ में पूरा चुभ रहा है इसलिए मेरी आँखें थोड़ी जल रही है। फेरी पॉइंट के ऊपर आ गया हूँ मैं अभी, यहाँ से गवर्नमेंट फेरी आएगी बोले कि मैं जाने वाला हूँ, एक घंटे बाद आएगी, तो सोच रहा हूँ अभी क्या करूँ, इस साइड आऊँ कि उस साइड चला जाऊँ। अभी तो उस साइड भी जो हाउस बोट थी वो भी चली गई, कोई है नहीं हाउस बोट की, मैं उसमें जाके कुछ एक्सप्लोर कर पाऊँ।
हेलो तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ एलपी बीच के ऊपर। आप इस साइड देख ही सकते हो कि ये पूरा बीच का एरिया है। अभी बस यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत घूमूंगा बीच के ऊपर और फिर चले जाऊँगा। शाम का टाइम हो रहा है तो 5 बज रहे हैं, 7 बजे तक यहाँ पे रुकूँगा, उसके बाद चला जाऊँगा वापस से रूम के ऊपर। तो आप कभी भी अगर एलपी आते हो तो रेलवे स्टेशन के बहुत पास में ही है, 1 किलोमीटर के आसपास होगा रेलवे स्टेशन, तो आप इजीली वहाँ से पैदल भी अगर चाहो तो आ सकते हो। अदरवाइज़ आपको वहाँ से बस भी मिल जाएगी या कोई रिक्शा ऑटो वगैरह भी लेके आप बीच के पास आ सकते हो। उसके अलावा दूसरा बैक वाटर है एलपी के अंदर एंड कुछ टेम्पल वगैरह हैं देखने जैसे एंड और बहुत कुछ भी है देखने जैसा एलपी के अंदर। तो गाइस ये है एलपी बीच, क्राउड देख सकते हो पूरा कितना क्राउड है। इतना क्राउड तो मुझे अंजुना बीच पे भी नहीं मिला था, मतलब मैं जब गया था तो पूरा खाली पड़ा था बीच, इतना क्राउड नहीं था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो आगे की साइड तो पूरा कितना क्राउड है। अभी शाम के बज रहे हैं 6 बज रहे हैं शाम के, अभी शाम के 6 बजे भी इतना क्राउड है एलपी बीच के ऊपर। तो गाइस ये एक नेवी शिप है जो कि मतलब पुराने टाइम में नेवी यूज़ कर रहे थे, अभी तो कौवे इसके ऊपर बैठ कर बस मज़े कर रहे हैं, कौवे इसको ट्राई कर रहे हैं चलाने की, लेकिन गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है इसको चलाने के लिए, इसलिए कौवे कुछ नहीं कर सकते। अभी सब बैठ के मज़ा कर सकते हैं, पुराने टाइप की शिप है मतलब नेवी, एक टाइम मैंने भी यूज़ करती होगी, अब तो शोरूम के लिए रख दिया है, जो भी है बस देख कर चला जाए। What's your name? Harry. Harry? Yes. Your? Mugan. JK. Aku. My name is Rishi. What's your name? Comedic Rishi. Comedic Rishi. Where are you from? Kerala. Alpura. Okay, Alpura. Okay. I'm from Gujarat. Okay. इस बीच को तो एक्सप्लोर कर लिया, अभी मैं जा रहा हूँ वापस से अपने रूम के ऊपर। मतलब रूम के ऊपर जाने से पहले मुझे भूख लगी है तो कुछ खाना खाने के लिए जाऊँगा, उसके बाद मैं जा रहा हूँ रूम के ऊपर।